पैसे का खेल है बाबू भैया, या ये कहा जाए विज्ञापन का खेल है, प्रचार का खेल है, हर कीमत पर प्रचार का खेल है। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आपने देखा होगा जैसे ही आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं या फिर YouTube पर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं ना, तो अचानक भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन आता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करते हैं और अपनी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं खबर क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए गूगल में विज्ञापन को लेकर कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उन दिशा निर्देशों का भाजपा ने उल्लंघन किया है। और गूगल का नियम कहता है कि अगर आपने 90 दिनों में 3 उल्लंघन कर दिए तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, आपका अकाउंट निलंबित हो जाता है। आपके सामने प्रमाण के साथ यह देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापनों को गूगल से हटाया गया है, और एक नहीं आप कई मिसालें देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको दोस्तों, गूगल के अपने दिशा निर्देश ये कहते हैं कि अगर आपने 90 दिनों में 3 उल्लंघन किए तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। मगर जैसे कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट बदस्तूर चल रहा है। तो मैं समझना चाहता हूं बीजेपी पर यह नजरें इनायत क्यों। खबर यहां नहीं रुकती, आप जानते हैं एक और बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदे पर रोक लगाती थी, और सरकारी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा था कि 6 मार्च तक हमें पूरी लिस्ट सौंपो कि किस उद्योगपति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे दिए थे। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम 30 जून से पहले नहीं दे पाएंगे, 30 जून यानी कि लोकसभा चुनावों के बाद। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है। सरासर झूठ, और उस झूठ का मैं पर्दाफाश करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूं गूगल की। भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर कानून का उल्लंघन कर रहा है, दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बतला चुका हूं, बाकायदा आप देख रहे हैं भाजपा के तमाम विज्ञापनों को हटा दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने गूगल के अपने दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। फरवरी 2024 में आम चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क और गूगल सर्च और यूट्यूब सहित अल्फाबेट प्लेटफॉर्म्स पर हजारों राजनीतिक विज्ञापनों के साथ भारत में इंटरनेट यूजर्स पर एक तरह से हमला किया था, और यह खर्च हुआ था करीब 30 करोड़ रुपए। जनवरी और फरवरी में इसी साल करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और क्या आप जानते हैं 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले जो 4 महीने थे भाजपा ने गूगल पर खर्च किए थे सिर्फ 12 करोड़ रुपए। और उस वक्त कांग्रेस ने करीब जो खर्चा किया था वो था 2,99,00,000 रुपए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जो पैसा खर्च रही है पिछले बार के मुकाबले दुगुने से भी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि यह गूगल के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंद्रजीत घोरपड़े जो लगातार ये मुद्दे उठाते रहे दोस्तों, इत्तेफाकन इंद्रजीत घोरपड़े वही हैं जिन्होंने न्यूज चैनल्स के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। इन्हीं की कोशिशों के चलते एनबीडीएसए को, आज तक, टाइम्स नाउ, नव भारत और न्यूज 18 को दिशा निर्देश भेजने पड़े थे कि आप कुछ ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जो देश के माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं, जो फेक न्यूज हैं। और एनबीडीएसए ने इन तीनों चैनल्स पर जुर्माना किया था और यह भी दिशा निर्देश जारी किया था कि आप इन शोज को हटाएं। और यह सब संभव हुआ था इंद्रजीत घोरपड़े की कोशिशों के चलते। इन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा है दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर। ओवर 50% ऑफ बीजेपीज गूगल वीडियो एड्स ब्रोक एड रूल्स, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 50% से ज्यादा जो गूगल एड्स हैं उन्होंने दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। और जो गूगल की अपनी पॉलिसी है
कि आप 90 दिन में 3 से ज्यादा उल्लंघन नहीं कर सकते, और अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपका अकाउंट निलंबित हो जाएगा। मगर भाजपा का अकाउंट बदस्तूर चल रहा है। सवाल यही तो किया जाएगा ना, आखिर क्या वजह है? आखिर भारतीय जनता पार्टी को बचने का रास्ता क्यों दिया जा रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी बार बार लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन क्यों करती है? क्या वजह है? किस बात का डर है भाजपा को? भाई आप तो बात करते हो ना कि हमें आसानी से 400 सीटें मिल जाएंगी, फिर चाहे गुप्त चुनावी चंदा हो या फिर गूगल में विज्ञापन देना, इन सब मामलों में आप मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। इस मुद्दे पर मैं आपको बतला दूं कि कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपकी स्क्रीन पर। पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर जहां जाओ वहां दांत चियारे आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी के विज्ञापनों का कमाल है, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। पिछले महीने ही बीजेपी ने गूगल वीडियो विज्ञापनों पर 22 करोड़ रुपए खर्च किए, जो पूरे देश से करोड़ों मतदाताओं ने देखे। लेकिन बीजेपी के 50% से अधिक गूगल वीडियो विज्ञापनों ने विज्ञापन नियमों को तोड़ा है। इस उल्लंघन के चलते ये विज्ञापन हटा लिए गए। मगर गूगल ये नहीं बताता कि हटाए गए बीजेपी विज्ञापन कौन से हैं और कौन से नियम तोड़े गए हैं। याद रहे, हटाए जाने से पहले इन विज्ञापनों को करोड़ों लोगों ने देखा है। कांग्रेस आगे कहती है, गूगल का नियम कहता है कि 90 दिनों में 3 से ज्यादा उल्लंघन होने पर विज्ञापन दाता का खाता निलंबित कर दिया जाता है। तो भाजपा को अभी भी गूगल विज्ञापनों का उपयोग करने की अनुमति क्यों है? खाता कब निलंबित होगा? सुप्रिया श्रीनेत आगे क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। एक पार्टी के पास अथाह पैसा है, संसाधन है, संस्थाएं हैं, दूसरी ओर विपक्ष के बैंक अकाउंट फ्रीज करके रोड़े लगाए जाएंगे, सोशल मीडिया अकाउंट बैन कराए जाएंगे, एजेंसी से प्रताड़ित कराया जाएगा, मीडिया से दुष्प्रचार फैलाया जाएगा, संस्थाओं को मोहरा बनाकर कोर्ट तक की अवमानना की जाएगी। क्या यह लोकतंत्र है? कांग्रेस की बात तो वाजिब है ना, क्योंकि आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, गूगल के विज्ञापन के जो दिशा निर्देश हैं उसका बीजेपी उल्लंघन कर रही है, मगर कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जा रहा है। और बात यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, कल ही बड़ी खबर आई थी, और वो बड़ी खबर क्या थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया कि भाई किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिलेगा ये हम आपको 6 मार्च तक नहीं बता सकते, ये हम आपको लोकसभा चुनावों के बाद बताएंगे। अब अगर ये खबर आज आ जाती तो क्या होता? अगर ये खबर आज आ जाती तो पता चल जाता कि किस धन्ना सेठ ने बीजेपी को कितने पैसे दिए हैं, और उसके बदले में उस धन्ना सेठ को और उस उद्योगपति को कितना फायदा हुआ है। यानी कि मोदी सरकार ने अपनी SBI से कह दिया कि खामोश रहिए। SBI क्या कह रही है कि हमारे पास बहुत काम है, हमें करीब 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खंगालना है। मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए थे। वो कह रहे हैं इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कहां गई डिजिटल इंडिया की बात? क्योंकि भाजपा तो लगातार कहती थी ना डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। एक बैंक इतनी आसानी से जानकारी नहीं दे सकता? दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह साफ तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, SBI द्वारा अदालत की अवमानना वाला मामला दिखाई दे रहा है। और मैं आपको समझाता हूं क्यों। सबसे पहली बात, कोर्ट में खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए हैं, ये सब एक बंद लिफाफे में मौजूद है, ये जानकारी सील्ड एनवलॉप में मौजूद है। अब ये जानकारी अदालत तक पहुंचाने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? यही नहीं, जब ये सीक्रेट चुनावी चंदा का जो पूरा सिस्टम आया था, गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा सिस्टम आया था ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें काफी तैयारी की थी। ना सिर्फ तैयारी की थी दोस्तों, पैसा भी बेतहाशा खर्चा था। मैं आपको बता दूं, इस मामले में कॉमोडोर लोकेश बत्रा एक विसिल ब्लोअर रहे हैं। उन्होंने एक जानकारी हमें दी है जो कि उन्हें RTI के अंतर्गत हासिल हुई है। वो कहते हैं
कि जैसे ही सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई ने काफी पैसा खर्चा, और वो पैसा कितना खर्चा गया वो देखिए साहब, वो बताते हैं कि करीब 60,43,005 रुपए आईटी डेवलपमेंट सिस्टम पर खर्च किए गए। उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट थे 89,72,338 रुपए, 89,72,338 रुपीज। और उसके बाद नेट कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाज 1,50,15,338। कुल खर्चा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था करीब 1.5 करोड़ रुपए। यानी कि एसबीआई का झूठ यहां पर पकड़ा जाता है। पहली बात, वो सारी जानकारी आपके पास एक बंद लिफाफे में मौजूद है जो आप सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं। दूसरी बात, आपने इतना ज्यादा खर्चा किया था, अब आप कह रहे हैं कि हमें 135 दिन और चाहिए जानकारी पहुंचाने के लिए। मैं जो आपसे बार बार कहता रहा हूं, उससे पहले भी लगातार कहता रहा हूं कि जो मुकाबला है विपक्ष और भाजपा में, यह बराबरी का मुकाबला नहीं है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं पर हमेशा से ही गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहती है। अरविंद केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव को भी माइनिंग घोटाले वाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, राहुल गांधी हो, इन सब पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राहुल गांधी की तो सांसदी भी चली गई थी। इसके अलावा कई नेता जेल में हैं, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सब जेल में। विपक्ष के नेताओं को लगातार निशाने पर लिया जाता है, और दूसरी तरफ चाहे गूगल पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो और चाहे सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए गुप्त जो चंदा आता है वो भी सारा का सारा करीब 90% भाजपा की जेब में जाता है। तो भाजपा के पास एजेंसीज हैं, पैसा है, प्रचार तंत्र है, और दूसरी तरफ विपक्ष पर लगातार निशाना साधा जाता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं यह बराबरी का मुकाबला नहीं है, यह शॉकिंग है, और यह लोकतंत्र के नाम पर मजाक ही नहीं, एक कलंक है, एक बदनुमा दाग। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।